हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा, एंड इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सिनकाइट्रियम लाइफ साइकिल। ऑलराइट, सिनकाइट्रियम क्या होता है? एक एंडोफिटिक फंगस है जो क्या करता है, डिजीज कॉज करता है डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स में क्या करता है, इट कॉजेज डिजीज। ऑलराइट, तो अभी हम देखेंगे। ये देखो, यहाँ पे मैंने ये फोटोग्राफ लगाई हुई है। ये क्या है, ये क्या है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम है। ये क्या कर रहा है, पोटैटो में ब्लैक वॉट डिजीज कॉज कर रहा है। ओके, ये जहाँ आपको ये ब्लैक वॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ट्यूमर्स लाइक आउटग्रोथ जो दिख रही है आपको, ये क्या है, ब्लैक वॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या है, किसमें हो रहे हैं, पोटैटो में हो रहे हैं। और कौन से फंगस का ये, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। सो हम देखते हैं सिनकाइट्रियम की डिफरेंट कैरेक्टर्स हम देखेंगे। सबसे पहले उसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, देन हम उसके बाद क्या करेंगे, उसकी लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, सी लाइफ साइकिल ऑफ सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम की लाइफ साइकिल में जाने से पहले हम उसका क्या देखते हैं, सिस्टमेटिक पोजिशन देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन में हम देखेंगे कि इट बिलोंग्स फ्रॉम किंगडम माइकोटा। ये किस में आता है, किंगडम माइकोटा। फंगल वर्ड जो है वो पूरा किस में आता है, किंगडम माइकोटा में आता है। नेक्स्ट इज डिविजन यू माइकोटा, सब डिविजन मिस्टिको माइकोटीना, क्लास काइट्रिडियोमाइसीट्स, ऑर्डर काइट्रिडेल्स, फैमिली सिनकेट्रेसी एंड जीनस सिनकाइट्रियम। ठीक है, और इसकी डिफरेंट स्पीसीज हैं जो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिजीज कॉज करती है। तो यहाँ पे हम मेनली जो देख रहे हैं वो है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम विच कॉजेज ब्लैक वॉट डिजीज इन पोटैटो। ये देखो, ये आपको पोटैटो का ट्यूबर आपको दिख रहा है, ये पोटैटो है, एंड इसमें जो ये ब्लैक कलर की आउटग्रोथ है, ठीक है, ऑलराइट, ये जो ब्लैक कलर की जो आउटग्रोथ है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ब्लैक वॉट डिजीज है। और ये डिजीज किसने कॉज करी है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम ने। ऑलराइट, इसका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सिनकाइट्रियम के बारे में देखेंगे। सी द, यहाँ पे पढ़ना आप लोग मेरे साथ, द जीनस, the genus Syncytium is represented by more than 200 species which occur as obligate parasite on flowering plants and ferns. जो Syncytium genus है उसकी 200 species known है, ठीक है, more than 200 species इसकी क्या है, known है, and it occurs as a obligate parasite. Obligate parasite का मतलब क्या है, मैंने आपको अपनी सबसे first video में आप लोगों को बताया है कि what is the meaning of obligate parasite. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको अगर बेसिक टर्म अगर सीखने हैं फंगस के तो सबसे पहले वाली मेरी वीडियो देखिए, देन फिर इस पे जंप करिएगा, तो उससे आपको जो बेसिक टर्म्स यहाँ पे फंगस के यूज हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बट फिर भी स्टिल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं जो ट्रू पैरासाइट्स होते हैं। ऑलराइट, इसको ऐसे समझ लीजिए कि वो क्या होते हैं, ट्रू पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम कॉजिंग ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम क्या करता है, ब्लैक वॉट डिजीज कॉज करता है पोटैटो में, ठीक है, जो मैंने अभी आपको फोटोग्राफ दिखाई वो क्या है, ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो है, ठीक है। इट इज अ वेल नोन स्पीसीज एंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम क्या है, एक वेल नोन स्पीसीज है जो कि हर उस रीजन पे हमें मिलेगी जहाँ पे इंडिया की क्या होता है, पोटैटो की क्रॉप हम ग्रोन करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, और इट कॉजेज एनॉर्मस हार्म टू दी क्रॉप। ये तो हमें पता ही है कि अगर कोई फंगल डिजीज प्लांट में हो रही है तो वो अल्टीमेटली क्या करेगी, क्रॉप को हार्म ही पहुंचाएगी। ऑलराइट, तो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जो है वो क्या करता है, ब्लैक वॉट डिजीज करता है पोटैटो में, और जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप को एनॉर्मस हार्म पहुंचता है। सम अदर कॉमन स्पीसीज ऑफ द जीनस आर एस फ्यूजिजेंस, ठीक है, यानी कि सिनकाइट्रियम फ्यूजेंस, एस रिडजाई, एस ट्राइकोसेंथोइड्स, एस सेसिमिकोला, ठीक है, ये डिफरेंट स्पीसीज हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में और डिफरेंट फैमिली के प्लांट्स में क्या करती हैं, डिजीज कॉज करती हैं।
अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जब प्लांट में अटैक करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा ये कि सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम का ही अटैक है, ठीक है, इन्फेक्शन है प्लांट में, तो उसे हम देखेंगे हमें क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। तो द सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम कॉजेज द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ पोटैटो कॉल्ड ब्लैक वॉट डिजीज। ये तो हमें पता है कि वो क्या करता है, ब्लैक वॉट डिजीज कॉज करता है। द सिम्टम्स कैन बी सीन इन ऑल अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द होस्ट। जो हमें सिम्टम्स नजर आएंगे वो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द होस्ट में नजर आएंगे, ठीक है, ऑल अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द होस्ट, वो चाहे ट्यूबर्स हो चाहे रूट्स हो, हमें सारे अंडरग्राउंड पार्ट में वो उसके सिम्टम्स नजर आएंगे। जो सिम्टम है वो क्या होता है, डिजीज पोटैटो ट्यूबर्स बियर डार्क ब्राउन वॉट एंड कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, ब्लैक वॉट जो बन जाते हैं वो क्या है, कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं वहां पे, ठीक है। पोटैटो के ट्यूबर्स में क्या दिखेंगे हमें, ब्लैक वॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। वो क्या है, सबसे बड़ा सिम्टम है किसका, एंडोबायोटिक सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के इन्फेक्शन का। दीज वॉट्स आर सिंपल और ब्रांच्ड एंड इन सम केसेस लार्जर देन द ट्यूबर्स। ये वॉट जो है, ये जो डार्क ब्राउन कलर का कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो बनेगा पोटैटो ट्यूबर्स में, वो क्या होगा, या तो वो सिंपल भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, और इन सम केसेस लार्जर देन द ट्यूबर्स। जहां पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये ट्यूबर्स से भी बड़ा, ठीक है, हमें वॉट लाइक स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। द थैलस इज यूनिसेल्युलर एंड होलोकार्पिक। इसका जो थैलस होता है वो क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है एंड होलोकार्पिक होता है। यूनिसेल्युलर आप लोगों को पता है, होलोकार्पिक भी पता है, जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है उसको ये भी पता है कि होलोकार्पिक क्या होता है। ऑलराइट, इट फॉर्म्स अ मास ऑफ नेकेड यूनिन्यूक्लिएट अमीबा लाइक प्रोटोप्लास्ट। इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, एक मास बनाता है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है इसका प्रोटोप्लास्ट, अमीबा लाइक प्रोटोप्लास्ट। अमीबा लाइक प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है, कि वो इजीली क्या कर सकेगा, मूव कर सकेगा। इट इज एंडोबायोटिक एंड अकर एज अ पैरासाइट इन द एपिडर्मल सेल ऑफ द होस्ट। ये क्या है, एंडोबायोटिक फंगस है। एंडोबायोटिक फंगस का मतलब क्या हो गया, इट अकर्स एज अ पैरासाइट, ठीक है, ये किसी प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा, उस प्लांट के टिश्यू में जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है, एंड अकर एज अ पैरासाइट इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द होस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। सिनकाइट्रियम रिप्रोड्यूस बाय बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। जो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम है वो क्या करता है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा एंड एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा। At the time of reproduction, whole vegetative structure transform into reproductive unit. That is, it is a holocarpic fungus. मैंने बताया आपको पहली वीडियो में ये बताया है कि होलोकार्पिक फंगस क्या होती है। होलोकार्पिक फंगस वो फंगस होती है जिसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है वो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होलोकार्पिक। उसकी जो होल वेजिटेटिव बॉडी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, रिप्रोडक्टिव बॉडी में कन्वर्ट हो गई, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, ऑलराइट। तो उसको हम बोलते हैं होलोकार्पिक फंगस, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन सिनकाइट्रियम में दो तरीके से होता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, और ये कैसे फंगस है, होलोकार्पिक फंगस। अब हम इसकी रिप्रोडक्शन के मेथड्स, जो मोड्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, देन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सी, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिनकाइट्रियम में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये तो हम सबको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब टेक प्लेस करेगा, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ऑलराइट, जब फंगस को प्रॉपर होस्ट मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा कि होस्ट जो हमारा फंगस है, जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ऑलराइट। It produces numerous microscopic naked uninucleate and uniflagellate zoospores. ठीक है, and zoospores are released from the infected tubers. जो देखो, जो हमारा infected tuber होगा, ठीक है, potato tuber होगा, उसमें से क्या होंगे, numerous microscopic naked uninucleate uniflagellate zoospores क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। जो zoospore होंगे कैसे होंगे, सबसे पहले जब वो इन्फेक्शन इन्फेक्टेड होस्ट से क्या होंगे, जब रिलीज होंगे तो जूस्पोर्स कैसे होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे और यूनिफ्लैजिलेट होंगे, यानी कि उनमें एक न्यूक्लियस होगा और एक ही फ्लैजिला होगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, हमारे इन्फेक्टेड ट्यूबर्स से रिलीज होंगे। देन दीज जूस्पोर्स स्विम एक्टिवली फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स इन द फिल्म ऑफ सॉइल वाटर। अब
रिलीज हो गए वो होस्ट की बॉडी से, तो वो क्या करेंगे 2 to 3 hours क्या करेंगे, स्विम करेंगे सॉइल वाटर में. देन आफ्टर स्विमिंग दे रेस्ट एंड विड्रॉज देयर फ्लैजिला व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द होस्ट सेल. 2 to 3 hours स्विम करने के बाद वो क्या करते हैं, अपना जो फ्लैजिला होता है उसको क्या करता है, रिमूव कर लेते हैं और कुछ टाइम तक क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं. जब वो होस्ट सेल के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, अब तो होस्ट सेल के कॉन्टेक्ट में वो आ गए, दैट मीन्स उनको अब स्विम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको होस्ट मिल गया है. तब वो क्या करते हैं, होस्ट सेल में इन्फेक्शन, जब वो इन अंदर होस्ट सेल के अंदर वो चले जाते हैं, एंट्री जब उनकी होस्ट सेल के अंदर जूस्पोर्स की हो जाती है, जब उन्हें पर्टिकुलर होस्ट मिल जाता है अपना, तब वो क्या करते हैं वहां उस होस्ट सेल में कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं और अपने फ्लैजिला को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं क्योंकि उनको अब फ्लैजिला की जरूरत नहीं है. ठीक है, द नेकेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ द जूस्पोर एंटर थ्रू द एमीबॉइड मूवमेंट. अब जो नेकेड प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है, जूस्पोर का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, एंटर करता है होस्ट सेल के अंदर, एंटर करेगा किस, कैसे एंटर करेगा, एमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू एंटर करेगा. एमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू मतलब जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या होता है, एमीबॉइड प्रोटोप्लास्ट होता है. एमीबॉइड प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है, वो एमीबॉइड लाइक मूवमेंट दिखाएगा, वो इजीली क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा सेल के अंदर. द जूस्पोर इंक्रीज इन साइज बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट सेल. अब वो सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर एंटर कर गया है, अब एंटर कर गया है तो उसका काम क्या है, जूस्पोर का काम क्या है, साइज, अपने साइज को इंक्रीज करना. वो क्या करेगा, अपने साइज को इंक्रीज करेगा बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. अब वो क्या करेगा, फूड को एब्जॉर्ब करेगा होस्ट सेल में से और क्या करेगा, साइज में इंक्रीज करेगा. अब जैसे साइज में वो इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा, अपने आसपास की सेल्स, जो उसके आसपास की जो सेल्स हैं, होस्ट की सेल्स हैं, तो वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, उनका भी साइज क्या होगा, एनॉर्मसली इंक्रीज करेगा. द होस्ट सेल ऑल्सो स्टिमुलेट एंड एनलार्जेस एबनॉर्मली एंड द सेल अराउंड द इन्फेक्टेड सेल ऑल्सो गेट एनलार्जेस. यही है कि होस्ट सेल में जो जाने के बाद जो जूस्पोर होगा वो क्या करेगा, फटाफट फटाफट क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा फूड का और क्या करेगा, एबनॉर्मली क्या करेगा, एनलार्ज हो जाएगा. अब वो बड़ा हो रहा है तो उसके आसपास की सेल्स जो है वो भी क्या होंगी, इन्फेक्टेड सेल्स के आसपास की जो सेल्स है वो भी क्या होंगी, एनलार्ज हो जाएंगी. ठीक है, ऑब्वियसली बात है. अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द जूस्पोर बिकम पियर शेप्ड. अब कुछ टाइम बाद एब्जॉर्प्शन के बाद वो क्या हो जाता है, जूस्पोर्स क्या हो जाते हैं, पियर शेप के हो जाते हैं एंड इज सराउंडेड बाय अ गोल्डन ब्राउन थिक वॉल. और अपने आप को किससे सराउंड कर लेते हैं, गोल्डन ब्राउन थिक वॉल से सराउंड कर लेते हैं और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, समर स्पोर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समर स्पोर कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, तो समर स्पोर कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के केस में हमें देखने को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, कब देखने को मिलते हैं, जब जू स्पोर क्या हो जाता है, पियर शेप का हो जाता है और अपने आप को क्या करता है, गोल्डन ब्राउन थिक वॉल से कवर कर लेता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, समर स्पोर्स. ऑलराइट, द सेल सराउंडिंग द इन्फेक्टेड सेल सो एबनॉर्मल सेल डिविजन. जो सेल होता है, जो एबनॉर्मल सेल हो, सेल भी क्या बिहेव करने लगता है, जो आसपास की सेल्स होती है, इन्फेक्टेड सेल के आसपास की जो सेल्स होती है वो भी क्या होती है, एबनॉर्मली बिहेव करने लगती हैं. ठीक है, और एबनॉर्मल उनमें क्या होने लगता है, सेल डिविजन होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेसिया, एंड दिस रिजल्ट इन दिस फॉर्मेशन ऑफ वॉर और ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर. वो भी क्या करती है, आसपास के सेल भी क्या करती है, कंटिन्यूअसली क्या करने लगती है, सेल डिविजन करने लगती है और जिसकी वजह से क्या है, एक वॉर और ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है. और कंटिन्यूअसली डिवाइड करने के बाद जो इन्फेक्टेड होस्ट सेल होती है वो क्या होती है, अल्टीमेटली डाई हो जाती है. ऑलराइट, जो अब जो समर स्पोर है, ठीक है, अब जो समर स्पोर है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा. जू स्पोर किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा समर स्पोर में कन्वर्ट हो गया. अब ये समर स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा कहाँ पे, होस्ट सेल में, विद इन दी होस्ट सेल. द न्यूक्लियस अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन टू फॉर्म 32 न्यूक्लियर. अब जो समर स्पोर का जो न्यूक्लियस था वो क्या करेगा, रिपीटेड माइटोटिक डिविजन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, 32 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा. दिस मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोसोरस. अब ये जो 32 न्यूक्लियर का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसोरस बोलते हैं. ऑलराइट, प्रोसोरस अभी आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगी कि प्रोसोरस क्या है और समर स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोसोरस क्या है. प्रोसोरस बनने के बाद क्या होता है, अब एक प्रोसोरस बना, वो प्रोसोरस क्या होता है, डिवाइड करते रहता है कंटिन्यूअसली और 4 to 9 मल्टी न्यूक्लियेटेड चैम्बर्स में क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है बाय अ हाइलाइन वॉल.
ठीक है, एक हाइलाइन वॉल के थ्रू वो क्या होता है, 4 to 9 मल्टी न्यूक्लियेटेड चैम्बर्स में क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजियम या फिर समर स्पोरेंजियम। ठीक है, जब हमारा प्रोसोरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 to 9 मल्टी न्यूक्लियेटेड चैम्बर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं जू स्पोरेंजियम या फिर समर स्पोरेंजियम। ओके, तो और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, सोरस। प्रोसोरस के बाद क्या स्टेज आएगी, सोरस। नाउ सी, एज द स्पोरेंजियम मैच्योर इट स्वेल्स अप बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड द होस्ट सेल विच कंटेन स्पोरेंजियम बर्स्ट एंड ओपन अप बाय द प्रेशर। अब जो स्पोरेंजियम बना है, ठीक है, मैच्योर स्पोरेंजियम जो बन गया है, जिसको जिसमें जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सोरस भी बोल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा और क्या करेगा, स्वेल अप हो जाएगा, और फिर क्या आएगा, किसी प्रेशर के वजह से क्या हो जाएगा, बर्स्ट अप हो जाएगा। और लाइट बर्स्ट अप होगा तो उससे क्या होंगे, जू स्पोर्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, नेकेड जू स्पोर्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, यूनि न्यूक्लियेटेड एंड यूनिफ्लेजिलेटेड जू स्पोर्स क्या हो जाएंगे, रिलीज होंगे। फिर से वो जू स्पोर क्या करेंगे, स्विम करेंगे सॉइल के वाटर में, और फिर जैसे उन्हें न्यू होस्ट मिलेगा उसमें इन्फेक्शन कॉज करेंगे और फिर अपनी एसेक्सुअल साइकिल को फिर से कंटिन्यू करेंगे। व्हेन देयर इज अ स्कैसिटी ऑफ वाटर जू स्पोर बिहेव्स एज गैमेट। अब जू स्पोर क्या हो गए, रिलीज हो गए, मान लो अब उन्हें सॉइल में वाटर नहीं मिला, ठीक है, तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज अ गैमेट। अब वहां पे उनको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज अ गैमेट बिहेव करेंगे, और फिर ये साइकिल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेक्सुअल साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑलराइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं तो उसमें देखेंगे, इट अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस दैट वी ऑल नो, द मल्टी न्यूक्लियेटेड सेगमेंट ऑफ प्रोसोरस बिहेव्स एज गैमेटेंजिया। अब यहाँ पे जो प्रोसोरस का मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ गैमेटेंजियम बिहेव करेगा इंस्टेड ऑफ जू स्पोरेंजियम। जू स्पोरेंजियम की तरह उसको बिहेव करना चाहिए था, बट जू स्पोरेंजियम की तरह बिहेव ना करके वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ गैमेटेंजियम की तरह बिहेव करेगा। जो गैमेटेंजियम होगा उसके अंदर क्या होंगे, मोटाइल गैमेट्स होंगे, जो कि क्या होंगे, स्लाइटली स्मॉलर इन साइज होंगे देन दी जू स्पोर्स। ऑलराइट, द टू प्लेनोगैमेट फ्रॉम डिफरेंट गैमेटेंजिया फ्यूज इन वाटर फिल्म प्रेजेंट ऑन दी होस्ट सरफेस और इन दी सॉइल। अब क्या करेंगे, जो दो प्लेनोगैमेट्स हैं, प्लेनोगैमेट्स भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो जो प्लेनोगैमेट्स क्या होते हैं, जो दो प्लेनोगैमेट्स होंगे वो क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। दो प्लेनोगैमेट्स कहाँ से होने चाहिए, डिफरेंट गैमेटेंजिया से होने चाहिए। ऑलराइट, वो क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट का फॉर्मेशन कब होगा, जब प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी मींस फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, कैरियोगैमी मींस फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, डिप्लॉयड बाय फ्लैजेलेट जू स्पोर। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, डिप्लॉयड बाय फ्लैजेलेट जू स्पोर हमें देखने को मिलेगा, जाइगोट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जाइगोट क्या करेगा, स्विम करेगा कुछ टाइम के लिए एंड देन विड्रॉज इट्स फ्लैजिला। स्विम करने के बाद क्या करेगा, अपना फ्लैजिला को विड्रॉ कर लेगा जब उसे न्यू होस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जू स्पोर रिलीज कर दे रहा था अपना फ्लैजिला, तो वैसे ही रिमूव कर दे रहा था, तो वैसे ही जाइगोट भी क्या करेगा, होस्ट सेल मिलने के बाद क्या करेगा, अपना फ्लैजिला को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। द डिप्लॉयड जाइगोट एनलार्जेस एंड इज एनक्लोज्ड बाय अ थिक 2 to 3 लेयर्ड वॉल, इट इज नाउ कॉल्ड एज रेस्टिंग स्पोरेंजियम और विंटर स्पोरेंजियम। अब जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो क्या होगा, एनलार्ज होगा और क्या करेगा, अपनी चारों ओर 2 to 3 लेयर थिक वॉल बना लेगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्पोरेंजियम या फिर विंटर स्पोरेंजियम। वहां हमने क्या बोला था, उसको समर स्पोरेंजियम बोला था, समर स्पोर बोला था। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको विंटर स्पोरेंजियम। अब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे इसको तो हमें अच्छे से समझ में। नाउ सी, अब हम देखते हैं डायग्रामेटिकली एसेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल को हम देखेंगे। तो सबसे पहले एसेक्सुअल साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, हमारी जू स्पोर से स्टार्ट हो रही थी। ऑलराइट, ये क्या दिख रहा है हमें, जू स्पोर है। ठीक है, ये जू स्पोर क्या करेगा, सॉइल के वाटर में क्या करेगा, एक्टिवली स्विम करेगा विद द हेल्प ऑफ इट्स फ्लैजिला। ये आपको फ्लैजिला नजर आ रहा है, ये जू स्पोर क्या करेगा, फ्लैजिले की हेल्प से वाटर में स्विम करेगा एंड आफ्टर स्विमिंग इन वाटर जब उसको होस्ट प्रॉपर होस्ट मिल जाएगा तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसको प्रॉपर पोटैटो ट्यूबर मिल गया है। तो वो क्या करेगा, पोटैटो ट्यूबर में जब उसको होस्ट मिलेगा तो तब उस टाइम पे वो क्या करेगा, जू स्पोर अपना फ्लैजिला क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ऑलराइट, फ्लैजिला रिमूव करेगा और होस्ट सेल के अंदर क्या करेगा, एंट्री करेगा किसके थ्रू, एमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू वो क्या करेगा, होस्ट सेल के अंदर एंट्री करेगा। अब जब हमारा जू स्पोर ने क्या कर लिया, होस्ट सेल के अंदर एंट्री कर ली है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा,
फूड का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा. ऑलराइट, फूड एब्जॉर्ब करेगा होस्ट सेल से और क्या करेगा, साइज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अब जब जूस्पोर इसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो उसके साइड नेबरिंग सेल्स हैं वो भी क्या होंगी, एबनॉर्मली क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी साइज में. ऑलराइट, तो वो स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखेगा, एक रोजेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. जिस नेबरिंग सेल्स हैं, जूस्पोर ने जिस सेल को इन्फेक्ट किया उसके जो नेबरिंग सेल्स है वो भी क्या होगी, एबनॉर्मली इंक्रीज करेंगी साइज में और कंटिन्यूस डिवाइड करेंगी. तो वो कैसा स्ट्रक्चर बना देगी, एक रोजेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी. और जो मैच्योर समर स्पोर है हमारा, जो जूस्पोर स्पोर था वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया. और किसकी तरह बिहेव करेगा, मैच्योर समर स्पोर की तरह बिहेव करेगा और अपने चारों ओर से क्या कर लेगा, एक थिक कवरिंग बना लेगा. ये आपको दिख रही है, एक थिक कवरिंग, गोल्डन ब्राउन कलर की थिक कवरिंग बना लेगा, जिसको हम बोल क्या बोलते हैं, समर स्पोर बोलते हैं. ऑलराइट, फिर समर स्पोर क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है, रेस्टिंग पीरियड आती है उसमें, रेस्टिंग स्टेज आती है. फिर उसके जो न्यूक्लियस होते हैं, जो समर स्पोर के जो न्यूक्लियस होगा वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा. यहां पे आपको मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है. तो ये मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्रोसोरस. ऑलराइट, एक ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, बहुत से न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं प्रोसोरस. अब ये प्रोसोरस क्या होगा, डिफरेंट हाईलाइन 4 to 6 हाईलाइन वॉल के थ्रू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोरस. ये एक कंपार्टमेंट अगर हम देखें, जहां पे मेरा मार्कर है, ये एक कंपार्टमेंट अगर हम देखें, इसको हम बोलेंगे प्रोसोरस. और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलेंगे, जहां पे 4 to 9 प्रोसोरस प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे सोरस. ऑलराइट, फिर सोरस किसमें कन्वर्ट होगा, एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल साइकिल किसमें कन्वर्ट होगा, एक कंपार्टमेंट सोरस का एक कंपार्टमेंट स्पोरेंजियम में कन्वर्ट होगा, दूसरा कंपार्टमेंट दूसरा स्पोरेंजियम बनाएगा. ये यहाँ पे समर और विंटर इसलिए दिखाया गया है, ये क्या है, समर सीजन, एट द टाइम ऑफ समर सीजन और विंटर सीजन. समर सीजन में क्या होगा, उसको वो फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, तो वो किस कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और एक प्रोसोरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाएगा. स्पोरेंजियम में फिर क्या होंगे, डिवीजन होगा, ये मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर जो बनेंगे, ये मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है और इसमें क्या है, जो एक सेल है उसमें यूनि न्यूक्लियेटेड है. तो ये यूनि न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर क्या करेगा, फ्लैजिला डेवलप करेगा और प्रेशर की हेल्प से ये क्या होगा, स्पोरेंजियम बस्ट आउट होगा और उसमें से सारे जूस्पोर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे. ये जूस्पोर फिर क्या करेंगे, एक्टिवली स्विम करेंगे और होस्ट के कॉन्टेक्ट में आके क्या करेंगे, उसको इन्फेक्ट करेंगे और फिर से एसेक्सुअल साइकिल चलेगी, अगर फेवरेबल कंडीशन है. अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, एट द टाइम ऑफ विंटर्स अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये जो स्पोरेंजियम है वो किसकी तरह बिहेव करता है, गैमेटेंजियम की तरह बिहेव करता है. ऑलराइट, ये स्पोरेंजियम किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, गैमेटेंजियम की तरह बिहेव करने लगेगा. और जैसे यहाँ पे स्पोरेंजियम से जूस्पोर बन रहे थे, वैसे ही यहाँ पे गैमेटेंजियम से क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे. इनको हम क्या बोलेंगे, प्लैनोगैमेट. प्लैनोगैमेट्स क्या होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. प्लैनोगैमेट्स, ये जो प्लैनोगैमेट्स कहाँ से आएंगे, डिफरेंट गैमेटेंजिया से आएंगे. ये एक डिफरेंट गैमेटेंजिया है, ये एक डिफरेंट गैमेटेंजिया है. और ये प्लैनोगैमेट किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक मेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा और एक फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा. ऑलराइट, अब ये मेल और फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे और क्या होगी, प्लाज्मोगैमी होगी. एंड प्लाज्मोगैमी इज कैरिड बाय कैरिड आउट बाय कैरियोगैमी. ठीक है, कैरियोगैमी हो जाएगी और जो हमारा जाइगोट बनेगा वो कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है. ठीक है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और कैसा है, बायफ्लैजिलेट है. ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है. ये देखिए, ये क्या है हमारा, बायफ्लैजिलेटेड. ये बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि एक गैमेट से हमें एक फ्लैजिला मिला, दूसरे अनदर गैमेट से हमें दूसरा गैमेट मिला, तो ये क्या बन गया हमारा, बायफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर बन गया. ऑलराइट, ये बायोफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर और बायोफ्लैजिलेट जाइगोट क्या करेगा, होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा. ठीक है, उसके पास ये टेंडेंसी होगी, ये कैपेसिटी होगी कि वो क्या कर सके, होस्ट सेल को इन्फेक्शन कॉज कर सके. होस्ट सेल में इन्फेक्शन कॉज करने के बाद क्या करेगा, जाइगोट कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, होस्ट सेल में रेस्ट करेगा. ठीक है, अपना फ्लैजिला को लूज कर देगा. अब उसको स्विमिंग की कोई रिक्वायर नहीं है, स्विमिंग रिक्वायर नहीं है, कोई नीड नहीं है स्विमिंग की, तो वो क्या करेगा, अपना फ्लैजिला लूज करेगा और होस्ट सेल में क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करेगा. ठीक है, फिर क्या करता है जाइगोट, रेस्ट करने के बाद जाइगोट का न्यूक्लियस में क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है. ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, मियोसिस डिविजन से यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे और वो किस में कन्वर्ट जाएगा, स्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाएगा. और यहाँ पे क्या बनेंगे, डिफरेंट हमारे क्या बन गए, मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर दिखे बन गए. तो ये क्या होंगे,
एट द टाइम ऑफ प्रेशर, इस पे कुछ प्रेशर की वजह से, एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से या ह्यूमन प्रेशर की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से, किसी की भी हेल्प से ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट आउट हो जाएगा। ये दिख रहा है हमें एम्प्टी स्पोरेंजियम बर्स्ट आउट होगा, तो यहाँ से क्या होंगे, सारे जूस्पोर्स रिलीज हो जाएंगे और ये क्या है हमारा एम्प्टी स्पोरेंजियम बच जाएगा। सारे जूस्पोर रिलीज होने के बाद क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, पोटैटो के ट्यूबर में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ऑलराइट, ये थी इसकी सेक्सुअल साइकिल एंड ये थी ए सेक्सुअल साइकिल। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में यही डिफरेंस है कि ये क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे टेक प्लेस करेगी। सेक्सुअल साइकिल कब टेक प्लेस करेगी, एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैमेट एंजियम में, और गैमेट एंजियम से क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स जो होंगे प्लेनोगैमेट होंगे और वो क्या होंगे, जूस्पोर से थोड़े साइज में क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ऑलराइट, थोड़े साइज में स्मॉल होंगे क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं। जूस्पोर क्या है, फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है, इसलिए उसको न्यूट्रिशन भी मिला है, सब कुछ मिला है, तो वो लार्ज होगा। और गैमेट्स जो होंगे वो थोड़े कंपेयर में जूस्पोर से स्मॉल होंगे। फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट इन्फेक्ट करेगा होस्ट सेल को, फिर वहां पे रेस्ट करेगा कुछ टाइम के लिए, और फिर उसमें क्या होगी, मियोसिस की प्रोसेस चलेगी, उसके बाद जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा एंड जूस्पोर क्या होंगे, एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। सो ये थी ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल साइकिल ऑफ सिनकेट्रियम एंडोबायोटिकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।